Hello everyone, I Dr. Nisha Singh welcome you all in lecture series of engineering chemistry. आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ पॉलीमर्स. इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं और क्या इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन होता है, कितने टाइप के पॉलीमर्स हमें पता हैं, ये सारी चीजें हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहली टर्म जो हम शुरू कर रहे हैं इट इज पॉलीमर. पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं. दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स. और हाई मॉलिक्यूलर वेट कैसे होता है? क्योंकि ये बहुत सारी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, यानी दीज आर फॉर्म्ड बाय मैनी स्मॉल यूनिट्स. इन स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर. कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इसको? मान लिया हमारे पास एक मोनोमर यूनिट है M. ये मोनोमर यूनिट केपेबल होगी अपने आसपास अलग अलग डायरेक्शंस में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. यानी अगर ये मोनोमर यूनिट एक दूसरे मोनोमर के साथ कंबाइंड हो गई, फिर तीसरे मोनोमर के साथ कंबाइंड हो गई, चौथे मोनोमर के साथ कंबाइंड हो गई और इस प्रोसेस को इसने कंटिन्यू रखा दोनों डायरेक्शन में, तो ये जो एक लॉन्ग चेन हमें मिली, इस लॉन्ग चेन को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे. यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा कंपाउंड जो छोटे छोटे कंपाउंड्स या छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है और एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीमर्स. यानी जो पहला पॉइंट हमारे पास है हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय मैनी स्मॉल यूनिट्स, दीज आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स. यानी ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जो एक लंबी चेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं उन सबको हम कहते हैं पॉलीमर्स. अब इस पॉलीमर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जो हमारी मोनोमर यूनिट है उस मोनोमर यूनिट के दोनों साइड हमने एक बॉन्ड बनाया जो कि बॉन्ड इंटीमेट करेगा कॉन्टिन्यूएशन में बनने वाले मोनोमर यूनिट्स के अरेंजमेंट को, और उसके साथ हमने नीचे मेंशन किया स्मॉल एन. ये स्मॉल एन क्या होगा? नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स को इंडिकेट करेगा. तो दैट मीन्स जो पॉलीमर्स हैं वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका. सपोज करो हमारे पास इथाइलीन मॉलिक्यूल है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज इथाइलीन. अगर हम इस इथाइलीन के n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स को लें और उन n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स को एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि एक मॉलिक्यूल बनाएं, हीट, लाइट या और किसी एक्स फैक्टर की प्रेजेंस में, और उस कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर. यानी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों तरफ कंटिन्यूस बॉन्ड, और साथ में जो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हमने इथाइलीन की यहां पर ली हैं वो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इस इथाइलीन के बनने वाले पॉलीमर यानी पॉली इथाइलीन के अंदर प्रेजेंट होंगी. ये सारी n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स एक साथ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगी. इस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए जो मोनोमर यूनिट होती है इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर डिफरेंट एटम्स की तरफ होता है जिससे कि उनके ऊपर चार्जेस डेवलप होते हैं और उन चार्जेस के बेसिस पर ये लॉन्ग चेन बनाने में केपेबल होते हैं. तो ये हमारा बना पॉलीमर पॉली इथाइलीन. यानी यहां पर इथाइलीन हमारे पास क्या थी? मोनोमर यूनिट थी. और जो पॉली इथाइलीन बना है ये हमारे पास क्या है? पॉलीमर है. तो इस एक टर्म पॉलीमर को अंडरस्टैंड करने में हमने मोनोमर को भी अंडरस्टैंड कर दिया. यानी हमारी पहली टर्म थी पॉलीमर, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? मोनोमर, जिसको हम पॉलीमर की फॉर्मेशन में समझ चुके हैं. ये मोनोमर क्या होती हैं? स्मॉल यूनिट्स होती हैं विच में लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं. इसके बाद एक और तीसरी टर्म हमारे पास आती है जिसको हम नाम देते हैं रिपीट यूनिट. अब इस मोनोमर और रिपीट यूनिट में क्या डिफरेंस है? तो इसके लिए दो अलग अलग एग्जांपल लेते हैं. मान लिया हमारे पास एक पॉलीमर है जिसके अंदर ए टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट है, यानी एक ही तरीके की मोनोमर यूनिट है.
इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पॉलीमर के लिए जो मोनोमर है वो भी ए है और जो रिपीट यूनिट है वो भी ए है। दैट मींस पॉलीमर चेन की फॉर्मेशन में जिस यूनिट का कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता है, जिस फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिपीट यूनिट। लेकिन अगर यहीं हम एक दूसरा एग्जांपल लें जिसमें एक मोनोमर यूनिट ए दूसरी बी, अगर इस तरीके से किसी पॉलीमर की फॉर्मेशन है तो इस पॉलीमर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बॉन्ड बी विथ कंटिन्यूअस बॉन्ड एंड एन। अब इस पॉलीमर के लिए अगर हम मोनोमर यूनिट की बात करें तो दो मोनोमर यूनिट हैं ए एंड बी, लेकिन जो रिपीट यूनिट है वो केवल एक ही होगी और उस रिपीट यूनिट में कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी प्रेजेंट होगा। यानी इस पॉलीमर के लिए ए बी रिपीट यूनिट है और ए एंड बी मोनोमर यूनिट है। तो अगर हमारे पॉलीमर में एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट्स हैं तो वही मोनोमर होगा, वही रिपीट यूनिट भी होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट्स होंगी तो मोनोमर उस काउंटिंग को रिप्रेजेंट करेंगे जितने टाइप की मोनोमर यूनिट्स हैं, और उनका कॉम्बिनेशन रिपीट यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तीन टर्म हमारे पास हुई, पॉलीमर, मोनोमर एंड रिपीट यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम हमेशा सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स में काउंट करते हैं। यानी अगर मैंने एक मोनोमर को रिप्रेजेंट किया एक्स की फॉर्म में और उससे बनने वाले एक पॉलीमर को रिप्रेजेंट किया एक्स एन की फॉर्म में, तो ये जो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि कितनी बार पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हुआ, यानी कितनी नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इसके साथ अटैच हुई। बट फॉर होमोपॉलीमर्स एन इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इस डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और एन को हम कोरिलेट कर सकते हैं केवल और केवल ऐसे पॉलीमर्स के लिए जो कि होमोपॉलीमर्स हों, यानी जहां पर सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट हों। सिंगल टाइप ऑफ एम, एम इंडिकेट्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स। अगर सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट नहीं है, एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट है, तब हम इस नंबर एन को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की फॉर्म में इंडिकेट नहीं करेंगे। तो ये चार टर्म्स हमारे पास हैं, जिन चार टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलीमर्स की फर्दर स्टडी करेंगे। अभी अगला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स हैं उनको हम बहुत सारे अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। तो जो सबसे पहला बेसिस हम लेकर चल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट के बेसिस पर हम पॉलीमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला आता है होमोपॉलीमर और दूसरा आता है हेट्रोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स किससे मिलकर बना होगा? केवल सिंगल टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होगा, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स। यानी दिस काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक मोनोमर यूनिट कंसिडर कर देते हैं, उस मोनोमर यूनिट की जो कंटिन्यूस चेन होगी उसको हम क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर्स कहेंगे। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल के लिए लिया था पॉलीथाइलीन या पॉलीस्टाइरीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी भी कहते हैं। ये जो सारे पॉलीमर्स जिनके एग्जांपल्स लिखे हैं, ये सारे के सारे होमोपॉलीमर्स हैं, यानी इनमें केवल एक ही तरीके की मोनोमर यूनिट है। लेकिन अगर हम हेट्रोपॉलीमर्स की बात करें तो हेट्रोपॉलीमर्स कैसे बनते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जिसमें एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट्स होती हैं। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
अभी हमने पीछे रिपीट यूनिट का एक एग्जाम्पल लिया था, मान लिया ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एक से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीमर कहेंगे। अब ये जो हेट्रोपॉलीमर है इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर हेट्रोपॉलीमर की फॉर्म में, यानी फर्स्ट कैटेगरी इज रेगुलर हेट्रोपॉलीमर एंड सेकेंड कैटेगरी इज इरेगुलर हेट्रोपॉलीमर। कोई भी पॉलीमर ना तो कंप्लीटली रेगुलर हो सकता है ना ही कंप्लीटली इरेगुलर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई रेगुलर हेट्रोपॉलीमर है तो उसका मतलब है कि जो भी पॉलीमेरिक चेन है उस पॉलीमेरिक चेन के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स वो एक पैटर्न की फॉर्म में है, और इरेगुलर हेट्रोपॉलीमर में मैक्सिमम पोर्शन या मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलरिटी की फॉर्म में है। तो रेगुलर हेट्रोपॉलीमर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिखा है, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट माइंड इट कि ये रेगुलर पैटर्न पूरी की पूरी पॉलीमेरिक चेन में नहीं होगा बट मैक्सिमम परसेंटेज की फॉर्म में रेगुलर अरेंजमेंट होगा। एंड फॉर इरेगुलर हेट्रोपॉलीमर देयर इज इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स, तो कहीं पर कोई भी मोनोमर यूनिट प्रेजेंट हो सकती है इन स्पाइट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम रेगुलर और इरेगुलर हेट्रोपॉलीमर की फॉर्म में इनको डिवाइड करते हैं, और कोई भी ऐसा पॉलीमर जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होंगी वो हेट्रोपॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, नायलॉन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, नायलॉन 6,6 है, नायलॉन 6,10 है, ये सब हेट्रोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स और अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। तो सेकेंड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स, इस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम पॉलीमर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकंड इज ब्रांच्ड एंड थर्ड इज क्रॉस लिंक्ड। लीनियर पॉलीमर जहां पर एक रेगुलर चेन की फॉर्म में अरेंजमेंट होगा, ऐसे समझ सकते हैं एक स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन हो रही है, कहीं कोई साइड में ब्रांचेस निकली हुई नहीं है, तो दैट मींस दिस इज अ काइंड ऑफ लीनियर पॉलीमर। फॉर एग्जांपल HDPE, इट इज हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन। अगर हम ब्रांच्ड पॉलीमर की बात करते हैं तो ऐसा पॉलीमर जिसमें साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, दैट मीन्स इफ इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर और इसमें जो मोनोमर यूनिट्स हैं उन मोनोमर यूनिट्स की डिफरेंट साइड चेन्स अगर प्रेजेंट हैं, यानी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो सच काइंड ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड ब्रांच्ड पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन, यानी अगर लीनियर स्ट्रक्चर है, सीधी सीधी चेन बनी हुई है तो लीनियर, अगर ब्रांचेस निकली हुई हैं तो ब्रांच, लेकिन अगर हम इन ब्रांचेस को भी इंटरकनेक्ट कर दें तो उस कैटेगरी को हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो मान लिया हमारे पास ये एक पॉलीमर है जिसको इनिशियल लेवल पर लीनियर ड्रॉ किया, इसके बाद इसके अंदर से ब्रांचेस निकली हुई हैं, और अगर ये ब्रांचेस भी इंटरकनेक्टेड हैं तो दैट मीन्स जो बनने वाला पॉलीमर है वो कैसा है, एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। एग्जांपल के लिए बैकेलाइट। तो ये दोनों बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन थे। इसके बाद हम थर्ड कैटेगरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी और वी कैन से मैक्रोमोलिक्यूल्स और स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। अब ये सारी टर्म्स हैं क्या,
अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम्स के स्पैटियल अरेंजमेंट की बात करें तो हम बात करते हैं उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री यानी स्टीरियो स्ट्रक्चर की। अब इस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी में हम बात करेंगे किसी भी प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप या किसी भी मोनोमर यूनिट के मैक्रो मॉलिक्यूल की, जिस मॉलिक्यूल के डिफरेंट अरेंजमेंट की बात हम करेंगे उसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी। इस बेसिस पर जो पॉलीमर्स हैं उनको हम तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास आती है आइसोटेक्टिक, दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है एटेक्टिक और तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है सिंडायोटेक्टिक। अब इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मान लिया ये हमारे पास सेंट्रल चेन या बैकबोन चेन है, जिस बैकबोन चेन या सेंट्रल चेन पर अलग अलग एटम्स का अरेंजमेंट है मोनोमर यूनिट्स की फॉर्म में। इन मोनोमर यूनिट्स में कुछ पोजीशन है जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कोई पोजीशन है जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो अगर पॉलीमेरिक चेन में इस मैक्रो मॉलिक्यूल की पोजीशन सेम साइड में है, यानी एक मोनोमर यूनिट जिसको हमने कंसिडर किया CH2CHR की फॉर्म में, यहां तक एक मोनोमर यूनिट, फिर इन दो कार्बन्स के साथ नेक्स्ट, फिर इन दो कार्बन्स के साथ नेक्स्ट एंड सो ऑन, तो ये पोजीशन HR 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 ये फिक्स होती चली गई। तो दैट मींस अगर सेम साइड में सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स का अरेंजमेंट है, तो ऐसी कैटेगरी को हम कहते हैं आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट फिक्स ना होकर रैंडम है, यानी कहीं पर मैक्रो मॉलिक्यूल की पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और कहीं पर मैक्रो मॉलिक्यूल की पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सपोज ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, दिस इज एच 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 एंड आर, दिस इज एच एंड आर, तो यहां पर जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इस अरेंजमेंट में कभी आर की पोजीशन अपवर्ड आ रही है और कभी आर की पोजीशन डाउनवर्ड आ रही है, कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमर्स को हम कहते हैं एटेक्टिक पॉलीमर्स। लेकिन अगर इसी मैक्रो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ना तो रेगुलर है और ना ही पूरी तरीके से इररेगुलर है, बल्कि एक ऑल्टरनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी एक बार फंक्शनल ग्रुप या मैक्रो मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में और वहीं नेक्स्ट टाइम ये मैक्रो मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में जो पॉलीमर हमें मिलेगा उस पॉलीमर को हम कहेंगे सिंडायटेक्टिक पॉलीमर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस हुआ, यहां पर एक रेगुलर अरेंजमेंट, यहां पर रैंडम अरेंजमेंट और यहां पर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, यानी ऑल्टरनेट पोजिशन पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, यहां पर इररेगुलर अरेंजमेंट और थर्ड कंडीशन सिंडायटेक्टिक में हमारे पास है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। तो ये तीन कैटेगरी ऑफ अरेंजमेंट प्रेजेंट है, इनके बेसिस पर हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। इसमें से आइसोटेक्टिक का एग्जांपल ले लेते हैं जो मैक्सिमम कंडीशंस में प्रेजेंट होगा, पॉलीआइसोप्रीन। दूसरा हमारे पास आता है एटेक्टिक पॉलीमर्स का, इट इज पॉलीप्रोपाइलीन। आप आगे ये सारे पॉलीमर्स डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास आता है गुट्टापर्चा, which is a polymer of isoprene, या kind of isoprene we can say। तो ये हमारा basic classification है, इसके अलावा और बहुत सारी category के classifications होते हैं, but these three are the basic classifications of polymer। तो हमने इस lecture में पॉलीमर्स की बेसिक टर्म्स को समझा, व्हाट इज पॉलीमर, व्हाट इज मोनोमर, रिपीट यूनिट एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स फर्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट विच इज होमो एंड हेट्रो पॉलीमर, देन हेट्रो इज ऑफ
टू टाइप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर हेट्रोपॉलीमर. सेकेंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉसलिंक्ड. एंड थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी, दीज आर आइसोटेक्टिक, एटेक्टिक एंड सिंडाइटेक्टिक. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.